Assalamu alaikum. So the topic I'm going to be talking about today is the most requested one. Because it's the time of the year जब के admissions हो रहे होते हैं, admissions open होते हैं और किसी को समझ नहीं आ रही हमने क्या करना है क्या करना है. और ज़्यादातर लोगों ने gap year भी लिया होता है. So my friends, so brothers and sisters, we have sisters हुई. मेरे अपने MD GAT के time के बाद से I hate MD GAT. I hate NMD GAT. ज़्यादातर लोग तो इस वक्त MD GAT की तैयारियों में होंगे. आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीवन, लेकिन एडमिशन यू नो व्हाट आई एम गोना से, मे बी हो जाए, मे बी हो भी सकता है. मेरे सिर्फ जानने वाले अब तक दो लोग हैं जिनको एम डी गेट की उस प्रोसीजर से एडमिशन मिला, बाकी सब ने तो प्राइवेट एडमिशन लिया हुआ है. इन दो को मैं जानती हूँ ना, दे वर लाइक बोर्ड में टॉप एंड पूरे स्कूल में टॉप. मोस्टली हो सकता है कि आपके सेकंड ईयर के एग्जाम जो हैं वो भी, और एम डी कैट के चक्करों में बैठे हुए हैं कि एम डी कैट के क्या पता आ जाए, मेरे क्या पता नंबर आ जाए, क्या पता मेरा एडमिशन हो जाए गवर्नमेंट में, और आप अप्लाई ना करें कहीं और. तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है. और स्पेशली अगर आपने फार्म डी में अप्लाई, अगर आपकी सेकेंड प्रायोरिटी जो है वो फार्म डी है, ठीक है, फिर तो आप जो है ना एडमिशन बंद हो जाना है फॉर्म डी के. आपका एम डी कैट में भी नहीं होना, आपने साल बैठे रहना है, ठीक है. एक ये पॉसिबिलिटी है. दूसरा ये कि मे बी आपने अप्लाई किया होगा तो आप जो है, लेकिन एम डी कैट का रिजल्ट बाद में आता है और बाद में यूनिवर्सिटी पहले स्टार्ट हो जाती है, तो जरा ये भी जरा मुश्किल हो जाता है. जो भी है, हर जगह अप्लाई करें या फिर गैप ईयर के लिए तैयार है. एम डी कैट वाला जो मसला है ना, वो तो ये वाला है. सो मैंने 2020 में एम डी कैट दिया था, जब वो डिले होता गया और एन एम डी कैट बन के आ गया, ठीक है. आई वेंट टू यू सी पी 2020 में, तब मैंने वहाँ पे लाइक वो जो फीस होती है प्रोस्पेक्टस वाली वो दे दी थी, टेस्ट वगैरह दे दिया था. और जब चलान फॉर्म की बारी आई थी, अब जो एक्चुअल फीस जो है वो सबमिट करवाया, तब मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं यू सी पी जाना, मैंने नहीं फॉर्म नहीं करनी, तो मैं तो एम डी कैट दूंगी, क्या पता मेरा नंबर आ जाए, क्या पता हो जाए. एंड टर्न्स आउट कि वो ज़ाहिर एडमिशन नहीं हुआ वहाँ. मैंने यू सी पी में अप्लाई किया था, मैं नहीं गई वहाँ पर. मैंने सुपीरियर में भी किया था, सुपीरियर में मैंने तब अप्लाई किया. अच्छा, मुझे तब पता भी नहीं होता था, और मोस्टली आप लोगों को भी कुछ होंगे मेरे जैसे, इनको नहीं पता है अभी भी कि फॉर्म डी का, अगर फॉर्म डी में आपने एडमिशन लेना है ना, अगर आपने फार्म डी में एडमिशन लेना है ना, तो आपका जो एडमिशन है वो साल में सिर्फ एक दफ़ा होता है, फॉल और स्प्रिंग जो है, तो इसका ऐसे नहीं होता. मैं आराम से चलेगी सुपीरियर के, वो अच्छा एडमिशन ओपन है, तो मैं भी वहाँ पे एडमिशन करवा लेती हूँ. तो उन्होंने तो कहा कि जुलाई में एडमिशन होंगे, फीस जमा करवा दें, तब बाद में करवाएंगे तो डबल फीस के साथ होगा. पता नहीं क्या क्या कहने लगा, आई जस्ट डोंट रिमेंबर दैट राइट नाउ. आपके पेपर हुए हैं, ठीक है, एंड यू डोंट नो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है. गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है ना, उनमें अप्लाई करना शुरू कर दें, ठीक है. यूआस पीयू वगैरह में, मैंने यूआस में अप्लाई किया था, मेरा न्यूट्रिशन में हो सकता था एडमिशन, लेकिन हाँ मैंने उसमें जाना था और मेरे घर से बहुत दूर है, तो वैसे ही देख लिया था कि अप्लाई करके, लेकिन मैंने किया ही अप्लाई फार्म डी में था उस वहाँ पे भी, तो वहाँ पे तो एडमिशन ही नहीं हुआ क्योंकि फार्म डी का मैं उठाया था वहाँ. पीयू में मुझे पता था मेरा नहीं होना, तो मैंने वहाँ अप्लाई नहीं किया था. वहाँ पे मैंने सुना था कि 94% से स्टार्ट हुआ था और 94 भी एंड हो गया था. गवर्नमेंट में अप्लाई करना अगर तो आपका हो जाता है तो इट्स वेरी गुड, ठीक है, लेकिन अगर आपका नहीं होता तो फिर आपके पास बच जाते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी के ऑप्शन. प्राइवेट में LMDC, UCP, कॉमसेट्स में भी होती है, और गूगल पे सर्च कर लें, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में होती है, तो वहाँ पे भी अप्लाई कर लें. फीस स्ट्रक्चर्स देख लें क्या कौन और घर के करीब कौन सी है. फिर आप एक जगह पे रह रहे हैं, यूनिवर्सिटी चौथे महल में हो जाके, लेकिन मोस्टली ऐसा ही है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी दूर है, पता नहीं. फिर मैंने 2020 में अप्लाई किया था, नहीं गई, ठीक है, टेस्ट दिया. फिर उसके बाद 2021 में मैंने अप्लाई किया, फिर मैंने टेस्ट दिया, फिर मैंने एडमिशन ले लिया पूरा साल गालने के बाद. इंस्टा पे वॉइस नोट्स आते हैं मुझे, हमें समझ नहीं आ रही UCP का टेस्ट क्या होगा, ये UCP के टेस्ट में क्या होगा, UCP के टेस्ट में क्या होगा, कहाँ से आएगा, समझ नहीं आ रही, मेरा आखिरी चांस है, मैंने पूरा गैप ईयर लिया, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ. नाइस. गेटिंग एडमिशन टू अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इफ यू हैव मनी इट्स नॉट अ बिग डील. हाँ, टेस्ट की तरफ आते हैं आप, ठीक है. टेस्ट किसी को भी नहीं आता होता, सही है. अगर आपका टेस्ट है, क्योंकि मेरे ख्याल सेप्टेम्बर में कुछ बच्चों का है टेस्ट UCP में, तो वहाँ पे जो लोग बैठे होंगे आपके साथ, आता उनको भी कुछ नहीं है, आता आपको भी कुछ नहीं है. अच्छा, मुझे खुद नहीं आता था. इट्स अ काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी आई गेस, ठीक है, वो हो जाता है आपका. लाइक आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया है ना, आपका एडमिशन पक्का है. नाइस. उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं. ऑडिशन कहने लगी थी मैं, अच्छा सो क्या कहते हैं, अच्छा मेरे दिमाग मैं आजकल बहुत ना भूल रही हूँ, सो क्या कहते हैं, क्या होती है, क्या होता है जो पहले दिन से पहले होता है. ऑडिटोरियम में क्या होता है, ओरिएंटेशन. मेरे ब्रेन सेल्स वीक हो गए. मूविंग ऑन टू स्कॉलरशिप्स. अच्छा,
अब तो मेरे ख्याल से उन्होंने 75% स्कॉलरशिप, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट यूसीपी, मेरे ख्याल से उन्होंने अब 75% स्कॉलरशिप जो है वो ख़त्म कर दी हुई है, तो जो अप्लाई और फीस जो है वो भी बढ़ा दी हुई है. जो अब अप्लाई मतलब अब जो एडमिशन लेंगे उनको 50% ऑफ ही मिलेगा आई गेस. मैंने सुना ये ख़त्म हो गई है एडमिशन फीस साथ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिर 2 महीने बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट. इस तरह जरा फी का चक्कर चलता है, इस तरह जो है ना फी का सारा सिस्टम गोज ऑन. अगर आप 3.9 GB आते हैं तो आपको मिलेगा 75% ऑफ. 3.89 है ना, अगर 3.89 भी होता है या 3.88 भी होता है जो कि मेरे साथ हुआ है, फिर तो आप आ जाएंगे वापस 50 में. मतलब आई ऑल्सो गेट दिस क्वेश्चन कि अगर आपके कम मार्क्स हों तो स्कॉलरशिप पूरी तो नहीं कैंसिल हो जाती? पूरी नहीं कैंसिल होती, वो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपको पीछे की धकेल देते हैं अगर आपके नंबर कम आएंगे या आपका ग्रेड अच्छा नहीं आएगा. 3.9 पे तो 75 है ना, उससे नीचे फिर 50 है, फिर 3.5 से नीचे अगर होगा GPA तो फिर आपकी 25% है. तो आप फेल हो जाते हैं तो आपको समर लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि मैं अपनी बहन के साथ गई थी. मेरी बहन का टेस्ट होना था, ठीक है, UCP में, तो मैं उसके साथ गई थी. तो वो लिफ्ट वाला जो है ना बड़े मज़े से ना हंस के ना मतलब मजाक वाली टोन में कहता है, हम दोनों कहते हैं अच्छा बच्चे हम लोग समर लगाने आए हैं ऐसे करके. आई वाज लाइक पाप लोगों के फीस का तो पता नहीं, क्योंकि जिन्होंने अब जाना है उनकी थोड़ी सी बढ़ा दी उन्होंने. तो मेरा हमारा तो ये 75% पे इट्स लाइक 40,000 की 2 इंस्टॉलमेंट्स, लेकिन अगर 50 है तो 40,000 ऐड हो जाएगा, ठीक है. यानी कि जहाँ आपने 40 देना था ना तो 50 पे आपको 80 देना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह करके. सो ये था सारा फीस वाला. ये ऊपर वाला ब्लॉग जो है ना इसमें सारी प्रेजेंटेशन असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट वगैरह जो है ना ये ऊपर वाला आई जो बना हुआ है ना ये ऊपर इधर इस पे सारा ये वाला जो ब्लॉग है ना वॉच दिस. प्रेजेंटेशन असाइनमेंट क्विज ये होता है और फाइनल्स और मिड्स बाकी ये सब तो चलता है, ठीक है. फाइनल से पहले प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उसमें चलो इतना नहीं बताती मैं आपको, वो जब आप जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा. जब आप सुनेंगे ना ग्रैंड वाइवा क्या होता है तब आपकी आंखें ऐसी खुलेंगी जब पहली दफ़ा आप सुनेंगे. मूविंग ऑन टू बुक्स, हमें बुक्स चाहिए, क्या सीन है, बुक्स चाहिए? अब तक तो हम किताबों से पढ़ते आए हैं तो क्या सीन होगा आगे? आपको जो है ना स्लाइड्स मिलेंगी, ठीक है, सारा जो उन्होंने पढ़ाना है ना वो स्लाइड्स पे देते हैं, ठीक है. फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में तो यही है, आगे भी यही होगा, मे बी आगे थोड़ी सी चेंजेस हो, लेकिन फिलहाल तो स्लाइड से ही पढ़ाते हैं, ठीक. तो वो मर्जी होती है, फिर आप लोग प्रिंट करवा लें स्लाइड्स अगर आप लैपटॉप या मोबाइल से नहीं पढ़ सकते. दीज आर द बुक्स, ठीक है, जो मैंने ली थी. स्लाइड्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि किताबें पढ़ने का टाइम नहीं होता. अगर तो पढ़ ली जाए, अगर कोई पढ़ता है मतलब दिस इज फॉर देम. एक मेरे पास ये बुक थी, ठीक है, मेडिकल फिजियोलॉजी, एक मेरे पास ये थी, एक मैंने ये ली थी, ठीक है, बायोकेम की, जो इसको तो मैंने कभी खोला ही नहीं, ठीक है. इसको मैंने एक दफ़ा खोला, मैंने कहा अच्छा कलरफुल है, मज़े की है, मतलब बहुत स्लाइड्स होती हैं, उन्हीं से बंदा पढ़ ले ना, वो इतना सिलेबस होता है उन्हीं से बंदा पढ़ ले तो बड़ी बात हो रही है. ये मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की है जो कि मैंने फाड़ दी हुई है. आई हेट इंग्लिश, इंग्लिश है सब्जेक्ट जहर जहर. दूसरी की ऑर्गेनिक थी. और आप लोग लाइक यू डोंट हैव टू बाय बुक्स, अगर तो यूसीबी में जा रहे हैं तो यू डोंट हैव टू बाय बुक्स अनलेस आपकी टीचर जो है वो कहे कि लो बुक्स, क्योंकि हमें तो बस हाँ वो बुक ले लो, ठीक है वो ले लो, लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं होता बुक को. एक टीचर थी उन्होंने हमें बस ये वाली कहा था कि ये वाली ले लो, तो जो इतना मैंने खर्चा किया था इस पर तो ये काम आ गई. बाकी कुछ मैंने कभी खोला नहीं, लेकिन मैंने सुना कि बाद में काम आ जाती हैं, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मे बी आई थिंक मैंने सारा कुछ ही बोल दिया है. कुछ रहता है और कुछ रहता तो नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कुछ रहता है. सो उम्मीद है आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा. और अगर मज़ीद किसी का कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दें. आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर कोई मज़ीद सवाल है तो पूछ लीजिएगा. और बाकी मेरे यूनिवर्सिटी व्लॉग्स देख लें, लाइक देख लें लाइक ओवरऑल एक्सपीरियंस है किस तरह लगता है एंड ऑल. सही एग्जाम के व्लॉग्स भी हैं सारे. तो सो या लव फेस.